नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। मैं हूं संतोष झा। शुरुआत खास खबरों से। मिथिलांचल से सटे भारत नेपाल सीमा पर जगत जननी मां जानकी की जन्मस्थली जनकपुर पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैथिली में बोलकर मोहा सबका मन, जनकपुर अयोध्या बस सेवा शुरू। विकास के लिए नेपाल को दिया 100 करोड़ का तोहफा। कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण हो पॉलिटेक्निक की परीक्षा। पुलिस प्रशासन एवं शिक्षा विभाग के कर्मियों को बैठक में निर्देश। 21वीं सदी में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की जोरदार वकालत। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। समस्तीपुर रेल मंडल के DRM पहुंचे दरभंगा, जंक्शन का किया निरीक्षण, दिए कई निर्देश। और मिथिला विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्षों, स्वित्त पोषित संस्थानों के निदेशकों समेत पदाधिकारियों के साथ कुलपति ने की मैराथन बैठक। कहा, शैक्षणिक गतिविधियों का करें डॉक्यूमेंटेशन। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI प्लस टू सफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस DMC लहेरिया सराय दरभंगा। NCVT से मान्यता प्राप्त। नामांकन सूचना सत्र 2018-2020। क्रम संख्या 1, व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन। अवधि 2 वर्ष। शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रम संख्या 2, व्यवसाय फीटर। अवधि 2 वर्ष। मैट्रिक या समकक्ष की शैक्षणिक योग्यता आवश्यक। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से ₹500 नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 26 जून 2018 निर्धारित है और प्रवेश परीक्षा दिनांक 1/7/2018 दिन रविवार को 11 बजे दिन में आयोजित होगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान के द्वारा संचालित व्यावसायिक कोर्स 1, विद्युत तकनीशियन। 2, कटिंग टेलरिंग एवं ड्रेस मेकिंग में नामांकन प्रारंभ है। मैट्रिक की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। SM जावेद इकबाल, सचिव मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI लहरिया सराय दरभंगा। संपर्क सूत्र है 0627225408। आप सबों के अपार सहयोग से द रेमंड शॉप सुभाष चौक दरभंगा ने अपनी स्थापना के शानदार 4 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर सभी मिथिला वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। इस मौके पर हमारे शानदार छूट के ऑफर का लाभ उठाएं। सभी बेडशीट पर 50% की छूट, सेलेक्टेड रेडीमेड पर 20% की छूट, जबकि 11 से 13 मई तक हर खरीद पर पाएं 3 times रिवॉर्ड पॉइंट्स। आए द रेमंड शॉप सुभाष चौक दरभंगा में। बेडशीट और रेडीमेड पर छूट वाले ऑफर केवल 1 सप्ताह तक वैध। और समाचार अब विस्तार के साथ। मिथिलांचल से सटे भारत नेपाल सीमा पर जगत जननी मां जानकी की जन्मस्थली जनकपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैथिली में बोलकर सबों का उन्होंने मन मोह लिया, खूब तालियां बटोरी। जनकपुर अयोध्या बस सेवा भी शुरू हुई है और विकास के लिए नेपाल को 100 करोड़ का तोहफा देने का ऐलान किया प्रधानमंत्री मोदी। जगत जननी मां जानकी की जन्मस्थली जनकपुर पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जनकपुर अयोध्या बस सेवा शुरू। जनकपुर के विकास के लिए नेपाल को भारत ने दिए 100 करोड़। मिथिलांचल से सटे
भारत नेपाल की सीमा पर जनकपुर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने दो दिवसीय नेपाल यात्रा के दौरान जनकपुर में एयरपोर्ट पर पहुंचकर पीएम मोदी सीधे जानकी मंदिर गए, जहां पूजा अर्चना के बाद रामायण सर्किट व जनकपुर अयोध्या बस सेवा को हरी झंडी दिखाई गई। यह बस नेपाल के जनकपुर से सीतामढ़ी होते हुए गोरखपुर और फिर अयोध्या पहुंचेगी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 बीघा ग्राउंड में नेपाल की जनता को संबोधित करने पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि नेपाल के बिना राम अधूरे हैं। जनकपुर के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये अनुदान देने का भी उन्होंने ऐलान किया। यह राशि नेपाल की केंद्र और दूसरे प्रांत की सरकार आपसी सामंजस्य से विभिन्न विकास पर योजनाओं पर खर्च करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच मधुर संबंध त्रेता युग में राजा जनक के राज के दौरान शुरू हुए और उस काल में माता सीता के द्वारा बनाया गया यह रिश्ता अब भी मजबूत है। यह वही संबंध है जो रामेश्वरम तक के लोगों को पशुपतिनाथ तक, लुम्बिनी तक के लोगों को बोधगया तक आकर्षित करता है। उन्होंने कहा कि मैं भी उसी संबंध से आकर्षित हुआ। मोदी ने थोड़ी देर के लिए नेपाली और मैथिली में बोला 3 बार जब जय सिया राम, तो उनके भाषण पर लोगों ने खूब तालियां बजाई। जगत जननी मां जानकी के पवित्र भूमि गौरवशाली इतिहास भेल मिथिला सांस्कृतिक राजधानी ई जनकपुर धाम में हमरा न्योत दके बजेलो आई सम्मान देलो एकरा लेल हम संपूर्ण मिथिलवासी जनकपुरवासी आ प्रदेश नंबर 2 के संपूर्ण जनता के नमन करें हार्दिक आभार व्यक्त करे छी। पग पग पोखेर माछ मखान सरस बोल मुस्की मुख पान विद्या वैभव शांति प्रतीक सरस क्षेत्र मिथिलांचल थी। कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण हो पॉलिटेक्निक की परीक्षा पुलिस प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को समाहरणालय में बैठक के जरिए दिए गए कई निर्देश। रविवार को होने जा रही पॉलिटेक्निक परीक्षा की तैयारियों के संबंध में समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभा भवन में अधिकारियों की एक बैठक हुई। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ शिक्षा विभाग के अधिकारी भी इसमें मौजूद थे और सभी को बिल्कुल कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण परीक्षा सम्पन्न कराने के निर्देश दिए गए। इक्कीसवीं सदी में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की हुई जोरदार वकालत, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ। 21वीं सदी में महिला का प्रतिनिधित्व, इस विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में उद्घाटन किया विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर जय गोपाल ने दीप प्रज्वलित कर। इस मौके पर कई अतिथि भी मौजूद थे। Thank you.
शक्ति उनको दुर्गा उनको लक्ष्मी सो मैनी वर्शिप दैट इज अर देयर एंड ऑल मैन बो देयर फेस बट टाइम चेंज एंड द रोल ऑफ द वुमेन वॉज लिमिटेड टू वेरी यू से इन द बाउंड्रीज ऑफ द होम एंड देयर मे बी मैनी रीजन फॉर दिस मे बी women were well equipped for those types of duties. But more than that, it may be the economic reason and also the physical strength. Men being the breadwinner was economically independent and women was dependent on the men. And physically also man is stronger than the woman. So with the passage of time, the men started dominating the woman. And women became dependent on the man. This I am telling you the anthropology, you can say the how the status of the woman changed during the course of time. We used to worship the woman. And even now, I think that is worship. But with the passage of time, men overtook the women because of their physical strength or because of their. समस्तीपुर रेल मंडल के डीआरएम पहुंचे दरभंगा, दरभंगा जंक्शन का उन्होंने निरीक्षण किया, टिकट काउंटर का हाल जाना, इसके साथ ही साफ सफाई के निर्देश भी दिए। समस्तीपुर के डीआरएम आर के गुप्ता शनिवार को दरभंगा पहुंचे, दरभंगा रेलवे जंक्शन का उन्होंने निरीक्षण किया और कई निर्देश दिए। रेलवे के निरीक्षण के दौरान पूछताछ इंक्वायरी काउंटर के नजदीक जाकर भी उन्होंने यात्रियों से उनकी समस्याएं सुनी और प्लेटफॉर्मों पर साफ सफाई की व्यवस्था को भी देखा और सफाई व्यवस्था के निर्देश भी दिए। यात्रियों को कहां क्या दिक्कत हो रही है और क्या उनके लिए सुविधाएं जुटाई जा रही हैं, डीआरएम ने मीडिया से यह बात भी की। उनको देखने का तो फिर साफ सफाई वगैरह कैसी है उसका निरीक्षण करना है, निर्देश दिए गए हैं, बताए चीज़ों को इम्प्रूव करने की, चीज़ें ठीक है लेकिन कुछ और इम्प्रूवमेंट हो सकता है। और इसके अलावा स्पेशल ट्रेन चल रही है, नई ट्रेन शुरू हो रही है दरभंगा से, उसका इनॉग्रेशन है 15 करना है, चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक है लेकिन उसमें हमेशा होता है कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा होती है और थोड़ा अच्छा किया जा सकता है, तो सफाई और अच्छी हो सकती है, उसके निर्देश दे दिए गए हैं, जो कमी मिली है वो बता दिया गया है, वायरस को आने वाले दिनों में सुधार हो जाएगा, काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, हमको वेटिंग रूम वगैरह बहुत अच्छा है और जो नया बना है साफ सफाई है और जो पैसेंजर एमिनिटीज है उसका भी अच्छा करने आया है। और 15 तारीख को दिल्ली से जलंधर तक, ये दरभंगा से जलंधर तक जाने वाली एक ट्रेन का इनॉग्रेशन है जिसको एमओआरआर महोदय जो है रेलवे बोर्ड से रिमोट द्वारा झंडी दिखा के करेंगे, उस संदर्भ में भी हम लोग देखने आए कि क्या पहुंचे आप। स्टेशन का जनरल मैनेजमेंट है सफाई वो देखना था, 15 तारीख को खास फंक्शन है इनॉग्रेशन है ट्रेन के, तो उसकी तैयारियों का जायजा लेना है। शुक्रिया। मिथिलांचल से सटे भारत नेपाल सीमा पर जगत जननी माँ जानकी की जन्मस्थली जनकपुर पहुँचे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैथिली में बोलकर मोहा सबका मन,
जनकपुर अयोध्या बस सेवा शुरू, विकास के लिए नेपाल को दिया 100 करोड़ का तोहफा। कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण हो पॉलिटेक्निक की परीक्षा, पुलिस प्रशासन एवं शिक्षा विभाग के कर्मियों को बैठक में निर्देश। 21वीं सदी में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की जोरदार वकालत, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। समस्तीपुर रेल मंडल के DRM पहुंचे दरभंगा, जंक्शन का किया निरीक्षण, दिए कई निर्देश। और मिथिला विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्षों, स्वित्त पोषित संस्थानों के निदेशकों समेत पदाधिकारियों के साथ कुलपति ने की मैराथन बैठक, कहा शैक्षणिक गतिविधियों का करें डॉक्यूमेंटेशन। मिथिला विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्षों, स्वित्त पोषित संस्थानों के निदेशकों समेत पदाधिकारियों के साथ कुलपति प्रोफेसर एस के सिंह ने की मैराथन बैठक, सबको कई निर्देश दिए, कहा शैक्षणिक गतिविधियां जो की जा रही हैं या जो अब तक की गई हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन किया जाए और IQAC को सौंपा जाए। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस के सिंह की अध्यक्षता में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सभी विभागों के विभाग अध्यक्षों, सभी स्ववित्त पोषित संस्थानों के निदेशकों, कोऑर्डिनेटर, NSS, चिकित्सा पदाधिकारी, स्वास्थ्य केंद्र प्रोफेसर इंचार्ज, केंद्रीय पुस्तकालय एवं क्रीड़ा पदाधिकारियों की आपात बैठक आयोजित हुई। कुलपति ने मिथिला विश्वविद्यालय के कार्यकलापों एवं उपलब्धियों पर संतुष्टि व्यक्त करते हुए सभी विभागाध्यक्षों के प्रति आभार प्रकट किया। साथ साथ उन्होंने यह भी बताया कि शैक्षणिक कार्य का सही रूप से डॉक्यूमेंटेशन नहीं होने से विश्वविद्यालय की खूबियों का लाभ विश्वविद्यालय को नहीं मिल पाता है। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र विभाग एवं पुस्तकालय के संयुक्त तत्वावधान में 100 से अधिक सेमिनार हुए, इसके बावजूद कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पाया। इन्होंने सभी विभागाध्यक्षों से अनुरोध किया कि अपने विभाग द्वारा की गई सभी शैक्षणिक गतिविधियों को सूचीबद्ध करते हुए IQAC कार्यालय को भेजें तथा उनका अभिलेखीकरण करें। 11 मई को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के IQAC की बैठक में AQAR 2016-2017 के अपूर्ण होने पर चिंता व्यक्त की गई थी। इसी आलोक में मिथिला विश्वविद्यालय ने इसे ससमय NAC बेंगलुरु को 15 से 20 मई तक भेजने के लिए कमर कस ली है। इस बैठक में IQAC कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर रतन कुमार चौधरी ने सभी विभागाध्यक्षों अन्य के समक्ष पूर्व में भेजे गए AQAR 2016-2017 के आंकड़ों तथा सूचनाओं में एकरूपता की कमी तथा वांछित सूचनाओं की अपूर्णता पर प्रकाश डाला। इन्होंने बताया कि 8 स्नातकोत्तर विभागों का AQAR 2016-2017 IQAC कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। उन विभागाध्यक्षों से आग्रह किया गया कि वे पुनः प्रस्ताव बनाकर 15 मई तक भेज दें। डॉक्टर चौधरी ने AQAR के फॉर्मेट बी के सभी बिंदुओं में सूचना भरने के दौरान होने वाली कठिनाइयों एवं उसके समाधान को साफ साफ सभी के समक्ष प्रस्तुत किया तथा अनुरोध किया कि दोनों वर्षों के AQAR में इन सभी गतिविधियों को प्रविष्ट कर कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए। या अब आप इसलिए जरूरी है, पहले AQAR का महत्व बहुत कम था, इसलिए कम था कि AQAR भेजने के बाद मुझे थोड़ा सा इसमें ये गुंजाइश रहता था कि जो चीज छूट गया मैं SSR तैयार करूंगा और SSR जो तैयार करूंगा उस हिसाब से मैं उसको दिखाऊंगा। SSR में ही कुछ छूट जाता था तो जब PIT आते थे तो एक कॉम्प्लीमेंट्री SSR बना करके जहां वो ठहरते थे उनको दे देते थे कि जो SSR में है उसके बाद हमने ये सब काम किया है, वो भी आकर के उसमें इवैल्यूएशन में आ जाता है। मार्क्स जो है सो हम जो भेजे हैं ऑनलाइन पेपर भेजेंगे उसी पर हमको मार्क्स मिलेगा, 30% मिलेगा PIT में आने के बाद जो असेसमेंट होता है। तो जो हम हाथ से छोड़ देंगे वहां भेज देंगे ऑनलाइन वही हमारा मार्किंग का उससे ज्यादा हमको मार्क्स नहीं मिलेगा, परीक्षा में जो आंसर मार्क्स नहीं मिलेगा तो बस ला करके निकाल। इसीलिए एक साल का गया है, दो साल का पहुंचाना है, हम चाहते हैं दुरुस्त होकर के जाए और सारा इंफॉर्मेशन जाए तो हमारा एक विकास अच्छा होगा। इसीलिए आप लोगों को बुलाया गया है कि थोड़ी थोड़ी बातें जैसे ये एक आता एक कॉलम है इसमें जिसमें देता है कि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में पास परसेंटेज कितने अभी हुए, वो भी फॉर्मेट हमको कई विभागों से ठीक तरीके से भर करके नहीं आया।
उसमें सिर्फ लिया गया इतना परसेंटेज, इतना तो कॉलम होना चाहिए कि 16-17 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर कितना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास कितना, परसेंटेज कितना। जब सारे विभाग से हमको आ जाएंगे तो उसको हम सबमिट करके एक पूरे यूनिवर्सिटी का बनाएंगे परीक्षा कर जाए। भाकपा माले ने उपविकास आयुक्त को ज्ञापन सौंपा, द्वारिकापुरी टोले पर सड़क निर्माण की मांग की, साथ ही कहा कि खराजपुर वाटरवेज से हनुमान नगर प्रखंड को जोड़ने के लिए पुल और सड़क के निर्माण हेतु जनाधिकार सम्मेलन आयोजित होगा। डीडीसी को ज्ञापन देकर द्वारिकापुरी टोले पर सड़क निर्माण की माल लेने की मांग, खराजपुर वाटरवेज से हनुमान नगर प्रखंड को जोड़ने के लिए पुल सड़क बनाने की मांग पर होगा जनाधिकार सम्मेलन। भाकपा माले जिला सचिव वैद्यनाथ यादव एवं वरीय नेता आर के सहनी ने डीडीसी से मिलकर द्वारिकापुरी टोले पर सड़क से जोड़ने और हनुमान नगर प्रखंड तक जाने के लिए डोम्बाघाट अम्मा नदी पर पुल बनाने का ज्ञापन दिया। नेताओं ने घोषणा की कि जल्द ही जन सम्मेलन कर आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी, इससे ब्लॉक की दूरी काफी कम हो जाएगी। डीडीसी ने दोनों प्रखंड के पीओ को सड़क बनाने के लिए पत्र लिखने का निर्देश दिया और अन्य कार्य के लिए नियमानुसार कार्रवाई की भी बात कही। छात्र कल्याण अध्यक्ष और छात्रावास अधीक्षक पर कार्रवाई समेत डीएनवाई कॉलेज कर्मचारियों के हितों में 14 मई को आईसा करेगा मिथिला विश्वविद्यालय में प्रदर्शन। छात्र कल्याण अध्यक्ष व छात्रावास अधीक्षक विश्वविद्यालय छात्रावास से अवैध कब्जा हटाने में है असमर्थ तो किया जाए उन्हें पदमुक्त, यह कहा आईसा ने। डीएनवाई कॉलेज के कर्मचारियों की भूख हड़ताल खत्म करवाए विश्वविद्यालय प्रशासन, नहीं तो 14 मई को होगा विरोध प्रदर्शन। डीएनवाई कॉलेज के कर्मचारियों की भूख हड़ताल को अविलंब वार्ता कर खत्म कराने, विश्वविद्यालय के छात्रावास में रह रहे अवैध छात्रों को हटाने, छात्रावास से अवैध कब्जा हटाने में असमर्थ छात्र कल्याण अध्यक्ष व छात्रावास अधीक्षक आय के रॉय को पदमुक्त करने व 26 मई को एम्स एंट्रेंस टेस्ट आयोजित है उस तिथि को डिग्री 2 की परीक्षा को रद्द करने संबंधित मांग पत्र कुलपति कार्यालय में आईसा के राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी ने दिया। संदीप कुमार चौधरी ने कहा कि विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण अध्यक्ष व छात्रावास अधीक्षक विश्वविद्यालय के छात्रावासों से अवैध कब्जा हटाने में असमर्थ साबित हो रहे हैं। छात्रावास अधीक्षक आई के राय लंबे समय से अधीक्षक के पद पर बने हुए हैं जो कि नियम के विरुद्ध है। उन्होंने अविलंब दोनों ही अधिकारी को पदमुक्त करने की मांग की, साथ ही डीएनवाई कॉलेज मधुबनी के कर्मचारियों के द्वारा जायज मांगों को लेकर भूख हड़ताल जारी है और विश्वविद्यालय प्रशासन संवेदनहीन बना हुआ है। विश्वविद्यालय प्रशासन यदि गंभीरतापूर्वक वार्ता कर भूख हड़ताल समाप्त नहीं कराता है तो आईसा प्रशासन के खिलाफ 14 मई को विरोध प्रदर्शन करेगा। राष्ट्रीयकृत मध्य विद्यालय कादराबाद में महीने भर से चल रहे लेसन प्लान में शामिल संस्कृत विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग के बच्चों के लिए विदाई समारोह का हुआ आयोजन। राजकीयकृत मध्य विद्यालय कादराबाद में करीब माह भर से चल रहे लेसन प्लान में शामिल संस्कृत विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग के बच्चों के लिए आज विदाई समारोह आयोजित किया गया। स्कूल की प्रधानाध्यापिका गीता दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि शिक्षा शास्त्र के निदेशक डॉक्टर घनश्याम मिश्र ने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया तथा लेसन प्लान की महत्ता पर रोशनी डाली। वहीं श्रीमती दीक्षित ने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए लग्न व निष्ठा से पढ़ाई करने को कहा। मौके पर संस्कृत विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष पंकज कुमार झा, प्रमोद मिश्र, बलराम तिवारी, ऋषिकेश झा, सोनू मिश्र, उज्ज्वल कुमार, रिंकू कुमारी समेत स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित हुए।
और मदर्स डे पर बच्चों ने अपनी माँ का किया आदर, उनका सम्मान। मदर्स डे सेलिब्रेशन का आयोजन हुआ दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद में। मदर्स डे पर बच्चों ने माँ के प्रति सम्मान जताया, माँ के प्रति आदर जताते हुए भगवान का गिफ्ट बताया माँ को। मदर्स डे सेलिब्रेशन का आयोजन दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद में हुआ। इस अवसर पर निदेशक शोएब अहमद खान के साथ उपस्थित था पूरा विद्यालय परिवार। और मदर्स डे पर डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन ने संगोष्ठी का किया आयोजन। मदर्स डे पर जगह जगह हुआ कार्यक्रमों का आयोजन। डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा, मातृत्व से बढ़कर दुनिया में कोई नेमत नहीं है। माँ के रूप में औरत इस सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ रचना है। माँ से ही सारा संसार है। वह सिर्फ 9 महीने तक बच्चे को पेट में नहीं रखती, बल्कि वो उसके साथ जीती है, उसके लिए सांस लेती है। दूसरे शब्दों में कहें तो माँ से बड़ा कारीगर कोई दूसरा नहीं होता। वो जैसा चाहती है उसकी संतति वैसे ही स्वरूप में प्रकट होती है। वह अपने बच्चे के लिए हर दुख दर्द हंसकर सह लेती है। युग कोई भी हो, पर माँ की भूमिका हर युग में सर्वोपरि है। हनुमान नगर प्रखंड के थलवारा पंचायत वार्ड 8 में दलित और महादलित वार्ड में चल रहा है स्कूल प्राथमिक विद्यालय, लेकिन वह सुविधा विहीन है। हनुमान नगर प्रखंड के थलवारा पंचायत वार्ड 8 में दलित और महादलित वार्ड में बरसों से चल रहा प्राथमिक विद्यालय, लेकिन इसे न तो आज तक भवन की सुविधा मिली और न ही वहां के विद्यार्थियों को मध्यान्ह भोजन, न छात्रवृत्ति एवं किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता। इस तपती धूप में प्रधानाध्यापक दिलीप मंडल ने बताया कि कई बार वो विभाग को इन चीज़ों की मौखिक जानकारी दे चुके हैं। वहीं के वार्ड सदस्य अध्यक्ष गणेश जी सदा ने कहा कि यहाँ के विद्यार्थियों को किसी प्रकार की सुविधा आज तक नहीं मिली है। मिथिलांचल से सटे भारत नेपाल सीमा पर जगत जननी माँ जानकी की जन्मस्थली जनकपुर पहुँचे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैथिली में बोलकर मोहा सबका मन, जनकपुर अयोध्या बस सेवा शुरू। विकास के लिए नेपाल को दिया 100 करोड़ का तोहफा। कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण हो पॉलिटेक्निक की परीक्षा। पुलिस प्रशासन एवं शिक्षा विभाग के कर्मियों को बैठक में निर्देश। 21वीं सदी में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की जोरदार वकालत। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। समस्तीपुर रेल मंडल के DRM पहुंचे दरभंगा, जंक्शन का किया निरीक्षण, दिए कई निर्देश। और मिथिला विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्षों, स्वित पोषित संस्थानों के निदेशकों समेत पदाधिकारियों के साथ कुलपति ने की मैराथन बैठक। कहा, शैक्षणिक गतिविधियों का करें डॉक्यूमेंटेशन। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में पुनः होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क, न्यूज टुडे दरभंगा। नमस्कार।